वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अयोध्या का दीपोत्सव दिखाया, लेकिन अब आपको वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम के अंदर लेकर चलते हैं, जहां 3 दशक से दिवाली को अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। देखिए, हजारों दियों की रोशनी से जगमगाती ये मनमोहक तस्वीर वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम की। हर साल दिवाली की पूर्व संध्या पर खिलाड़ी हजारों दियों से स्टेडियम को अनोखे अंदाज में सजाते हैं। खिलाड़ियों ने अपने अपने कोर्ट को अपने तरीके से सजाया है। कहीं हाथी का रूप देकर तो कहीं फुटबॉल लिखकर, ये सिलसिला करीब 30 सालों से चला आ रहा है। इस मौके पर स्टेडियम में हर खेल से जुड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और जमकर ग्रीन पटाखे बजाए। ये जो दीपोत्सव है पिछले 30 साल से ज़्यादा हो रहे हैं मुझे देखते हुए, और हर साल ये मनाया जाता है जिसमें कि हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि खिलाड़ी कहते हैं कि सारा बल हनुमान जी में होता है। तो सभी गेम के, चाहे वो हैंडबॉल हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, बास्केटबॉल, तो सभी खिलाड़ी अपने अपने ट्रैक पे दियों से डेकोरेट करें, और सुंदर सुंदर खिलाड़ियों की अल्पना भी बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात इस दीपोत्सव की है कि सब धर्म के खिलाड़ी मिलके एक साथ बनाते हैं ये त्यौहार। इस अनोखी दिवाली को देखने हर साल सैकड़ों लोग आते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।